नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाने की मांग वाली याचिका शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनी। जैसे ही याचिकाकर्ता एडवोकेट जया सुकीन ने दलीलें देने शुरू की, वैसे ही कोर्ट ने कहा, समझ में नहीं आता आप लोग ऐसी याचिका लाते ही क्यों हैं, इसमें आपका क्या इंटरेस्ट है। इसके बाद याचिकाकर्ता एडवोकेट जया सुकीन ने पिटीशन वापस लेने की इजाज़त मांगी। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल SG मेहता ने कहा कि याचिका वापस लेने के बाद ही हाईकोर्ट भी जा सकते हैं। इस ऐतराज पर कोर्ट ने जया सुकीन से सवाल किया कि अगर आप हाईकोर्ट जाना चाहते हैं तो हम याचिका रद्द कर देंगे। इस पर सुकीन ने कहा, मैं हाईकोर्ट भी नहीं जाऊंगा, मैं नहीं चाहता याचिका रद्द हो, वरना सरकार को ऐसे इनॉग्रेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सुकीन ने गुरुवार को याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा था कि लोकसभा सचिवालय ने राष्ट्रपति को इनॉग्रेशन में न बुलाकर संविधान का उल्लंघन किया है, इनॉग्रेशन राष्ट्रपति ही करें। एडवोकेट जया सुकीन ने याचिका में कहा, 18 मई को लोकसभा सचिवालय की ओर से बताया गया था कि नए संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। संसद राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति के पास संसद बुलाने और उसे खत्म करने की शक्ति है। इसी के साथ बने रहे राजनामा TV के साथ। धन्यवाद।